सितंबर से पढ़ाई कैसे करें, सही डायरेक्शन में पढ़ाई कैसे करें, अधिक से अधिक स्कोर कैसे करें और 90% 95% स्कोर कैसे करें। कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा बोर्ड में अंक कैसे लें, 2021 की परीक्षा के लिए ऐसी तैयारी करें जिससे हमारे अंक ज्यादा से ज्यादा आए, ज्यादा से ज्यादा अंक हम ले पाए। तो मैं आज आपको इस वीडियो से बनाने से पहले एक बात कह दे रहा हूं कि देखिए जो भी आप बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो बातें मैंने आपके कमेंट से ही लिए हैं। कहने का मतलब जो आपकी प्रॉब्लम्स थी सारे बच्चों की, चाहे आप पूरी तरह से तैयार अब हो चुके हैं, तैयारी आप कर रहे हैं या आपको अभी स्टार्ट करना है, वो वीडियो, ये वीडियो हर सभी के लिए है जो अपनी तैयारी को अभी स्टार्ट करना चाहता है या फिर जिसकी तैयारी ट्रैक पर है, जिसकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। देखिए कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, उन बातों को आपको अप्लाई करना है। अगर आप इन बातों को अप्लाई करते हैं तो आज से पहले आपने क्या किया, इन लॉकडाउन के महीनों में आपने क्या किया, इन छुट्टियों के महीनों में क्या किया, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप सितंबर से ऑन ट्रैक होगे और इस ट्रैक पर होगे कि आप बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर कर पाओगे। तो मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को टैप करिएगा जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो का लाभ उठा पाए। देखिए तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आपके साथ समस्या यह होती है कि हम लोग सोचते रहते हैं और इम्प्लीमेंटेशन जीरो होता है। कहने का मतलब हम लोग सोच लेते हैं कि इस काम को ऐसे करना है, पता हम सभी को होता है, पर जब बात आती है एग्जीक्यूशन की, जब बात आती है चीजों को अप्लाई करने की ग्राउंड लेवल पर, तब हम पीछे छूट जाते हैं। वही मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन लेकर के चलना है, इस तरह से चलना है कि आप भी एज ए टॉपर पढ़ें और एक टॉपर बने। तो सबसे पहले जान लीजिए, मैं आपको इस वीडियो में चलने से पहले एक बात बता दूं, आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए ताकि आप मेरी कही हुई बातों को नोट करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कही हुई बातों को सुनते हैं और चीजों को निकाल देते हैं, इसी वजह से आपको बार बार वो प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले अपने हाथ में एक पेन पेपर ले लें, जो पॉइंट मैं बता रहा हूं बस उनको आप नोट करते जाएं, उनको आप समझें और उसी को अप्लाई करें। सबसे पहले अब आपको पता है कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो 2021 की परीक्षा के लिए एक एडवांटेज ये भी है कि आप सभी के बोर्ड ने लगभग सिलेबस आपके रिड्यूस कर दिए हैं। तो आपको करना यह है कि पॉइंट नंबर वन, तैयारी हम कैसे करेंगे, कैसे चलेंगे, ये हमें तब तक नहीं निश्चित हो पाएगा जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होगा। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को जान लीजिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। बहुत बच्चों के साथ डाउट अभी यही होगा कि सर सिलेबस ही नहीं पता है, तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें, सिलेबस नोट करें। और अब आपको सिलेबस के साथ क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूं, जा करके तुरंत इस वीडियो को देखने के बाद एक चार्ट पेपर लेकर आइए और चार्ट पेपर को 5 पार्ट में या 6 पार्ट में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें डिवाइड करिए और लिखिए टारगेट 2021 बोर्ड परीक्षा, यहाँ पर लिखना होगा आपको, और जितना परसेंटेज आप लाना चाहते हैं वहाँ पर टॉप पर लिखिए, क्योंकि जो आप लिखोगे वहाँ पर वही आपका एम बन जाएगा, उसी के लिए आप कार्य करोगे। अगर आप चीजों को वहाँ निश्चित नहीं करोगे कि नहीं मुझे इतना परसेंटेज लाना है तो निश्चित लिख लीजिएगा, आप इस चीज को जो मैं कहने वाला हूं उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपना टारगेट लिख लीजिए, आपको कितना परसेंट लाना है वहाँ पर, टारगेट बोर्ड एग्जाम 2021 और अपना जितना परसेंटेज आप लाना चाहते हैं वहाँ पर लिख करके टांगिए और सिलेबस को 6 पार्ट में आप डिवाइड करिए, कौन कौन से सब्जेक्ट है, मैथ का सिलेबस इतना है, साइंस का सिलेबस इतना है, और उसी चार्ट पेपर पे सिलेबस को लिखिए, क्योंकि जब आपके पास सिलेबस होगा तो आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन होगा, आपको पता होगा कि हमें कितनी चीजें कवर करनी है, कितने टाइम में करनी है। और 4 महीने अपने आपको दीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपको यह होना चाहिए कि मैं दिसंबर आते आते पूरे सिलेबस को अपने कवर करूंगा जो मैंने यहां पर लिख कर टांगा है। अपने आप से एक प्लेज लीजिए कि जो मैं सिलेबस यहां लिख रहा हूं इसको मैं दिसंबर तक हर हाल में कैसे भी कंप्लीट करूंगा, किस तरह से करना है यही मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए सिलेबस जब आप लाए चार्ट पेपर पे, आपने सिलेबस को लिख लिया, आपको पता चल गया कौन कौन से चैप्टर हैं, उसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आने वाले हैं, इससे क्या होगा आपके पास क्लियरिटी हो जाएगी क्या नहीं पढ़ना है। देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब हम चीजों को इलिमिनेट कर देते हैं, जब हम चीजों को छोड़ते हैं तो हमारा सिलेबस कॉम्पैक्ट हो जाता है, टू द पॉइंट हो जाता है और हम फोकस्ड होकर तैयारी करते हैं। आप बहुत लोग को देखिए बहुत सारे दिन तक तैयारी करते हैं, बहुत समय तक तैयारी करते हैं, उनका सिलेबस क्यों सक्सेस क्यों नहीं मिलती उनको, उनको सिलेक्शन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो उन चीजों को पढ़ते हैं जो चीजें कभी पूछी ही नहीं जाती है, उन चीजों को वो पढ़ करके खुश हो जाते हैं। तो यही काम आपको भी करना है, सिलेबस आपको सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। दूसरा काम, आपने अपने चैप्टर्स लिख लिए, अब तीसरी बात आती है कि पढ़े कैसे, किस तरह से काम करें। तो देखिए सबसे पहले एक टाइम टेबल आप बनाइए, आज से पहले आपने क्या किया इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये बात आप जानते होंगे, जो आपने किया है वो आपको खुद पता है। पर अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से। बहुत लोग पूछेंगे सर टाइम टेबल के बारे में वीडियो बताइए, तो मैं टाइम टेबल के बारे में आपको यही बता दे रहा हूँ कि आपको मंडे टू फ्राइडे 5 दिन
केवल स्टडी को देना है। कहने का मतलब नई चीजों को पढ़ने पर, जो नई चीजें आपके पास है यानी जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो, 5 दिन ऐसा समझिए कि 5 दिन आपको जॉब पर जाना है, कहने का मतलब ये है। और 2 दिन आपकी छुट्टी मान के चलिए, सैटरडे और संडे। इस दिन आपको जो आपने 5 दिन पढ़ा है उनको बस रिवाइज करिए, क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं पर रिवीजन जब नहीं करते तो हमें चीजें भूल जाती हैं। तो चीजों को रिमेंबर करने के लिए आपको यही करना होगा कि 5 दिन आपको पूरा स्टडी पे ध्यान देना है, 2 दिन आपको अपने रिवीजन पर देना है, जो आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई की है। अब मुझे नहीं पता कि आप कितने घंटे का टाइम टेबल बना के पढ़ रहे हो, कैसे आप पढ़ रहे हो, लेकिन करना आपको यही है कि 5 दिन अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, 2 दिन सैटरडे और संडे रिवाइज करना है। अब मैं आपको यहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ कि आप थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे। देखिए, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप फ्रेश महसूस करते हैं, तो आपको लगता है कि हम फ्रेश हैं और आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को मैं यही कहूँगा कि आप सुबह के टाइम रख लीजिए। जब आप सुबह के टाइम उनको लर्न करेंगे, जब आप सुबह के टाइम उनको पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। लेकिन जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको आप ऐसे टाइम रखिए जिस टाइम थोड़ा सा आपको लेजीनेस फील होता है, जिस टाइम आप थोड़ा लेजी फील करते हैं, थोड़ा सा आपको आलस लगती है, उस टाइम पर आप रखिए। तो आपका टाइम टेबल 6 से 8 घंटे का होना चाहिए। इसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनका डिवीजन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने सुबह के टाइम हिंदी, इंग्लिश, SST रख लिया, साइंस रख लिया, जो रखने वाले सब्जेक्ट्स हैं जिनमें थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट है, मैथमेटिक्स है और कोई आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है, तो उनको आप थोड़ा सा इस टाइम पर रखें जिस टाइम पर थोड़ा सा आपको लेजी फील होता है। और बात आती है जो तीसरा पॉइंट इस वीडियो में है, वो है कि आप पढ़ें कैसे, किस तरह से आपको सिलेबस किसी सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। तो देखिए, सबसे पहले अपना ध्यान केवल दीजिए सिलेबस कंप्लीट करने पर, न कि इस बात पर ध्यान दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है, क्या करना है। सबसे पहले अपने सिलेबस को कवर करिए। जो जो टॉपिक्स आपने अपने चार्ट पेपर पर लिख दिया है, खुद से वादा करिए कि पहले इस टॉपिक को खत्म करूंगा, इसके बाद कुछ और छूंगा। तो बिल्कुल सबसे पहले अपने सिलेबस को आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद अब आपको फेज मैनर में चलना है। फेज मैनर में आपको बता रहा हूं क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहने का मतलब जो पहले आपने बुक की अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, तो आपको पढ़ते पढ़ते पता लग जाएगा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछी जाएंगी, ये चीजें मुझसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, बाकी चीजें नहीं पूछी जाएंगी। तो ये आपको पता लग जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ पर है। इसको करने के बाद आपको अब करना क्या है कि आपको ये तैयारी आपकी हो जाएगी। अब बात आती है कि कैसे चीजों को रिटेन रखें। देखिए, होगा क्या आपके साथ, आप प्लान पे भी चलोगे, चीजों को अप्लाई भी करोगे, पर आप कर नहीं पाओगे। कहने का मतलब चीजें आपकी भूलने लगेंगी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि 2 दिन जो आप रखो, सैटरडे और संडे। और प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है, मेरी कही बात को आप मानिए, आप नई चीज स्टार्ट नहीं करेंगे। जो 5 दिन आपने पढ़ा है उन्हीं चीजों को रिवाइज करेंगे, ताकि चीजें आपके दिमाग में रिटेन रहे, आपके दिमाग में रहें, ताकि आपको बाद में फिर चीजें पलट के ना देखनी पड़े। नहीं तो विश्वास मानिए, आप पढ़ते चले जाएंगे, सिलेबस भी आपका कवर होगा, पर जब आपकी रिटेंशन के पूछा जाएगा कि आपको कितना याद है, कितना आप कर पा रहे हैं, तो वो आपके जीरो हो जाएगी, वो आपके नील हो जाएगी। इससे बचने के लिए आप करिए क्या कि पहले आप सिलेबस को कवर करिए, 5 दिन अपनी पढ़ाई करिए, 2 दिन आप रिवीजन के लिए रख लीजिए। ये काम करने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको पेपर पैटर्न समझना होगा कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर, और प्रीवियस ईयर पेपर तभी उठाइएगा जब आप सिलेबस को कवर कर लें। या दूसरा मेथड आपको मैं बताता हूं, जैसे आपने चैप्टर पढ़ा मंडे टू फ्राइडे, आपने पूरी पढ़ाई की 5 दिन, 2 दिन सैटरडे और संडे को आप क्या करो, प्रीवियस ईयर पेपर के उन क्वेश्चंस को ढूंढो जिन टॉपिक्स को आप पढ़ चुके हो, और चेक करो खुद को कि क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चन। अगर आप इन चीजों को कर पा रहे हो तब तो बहुत बेहतरीन बात है, तब तो आप सिलेक्शन मतलब कि आपका अच्छा रिजल्ट आने का सिलेक्शन का चांस ज्यादा है, आप रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो। इसका मतलब कि 5 दिन आपने जो पढ़ा उसको आप चेक भी कर रहे हो कि क्या मैं सॉल्व कर पा रहा हूं। अगर आप चीजों को कर पा रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन आप काम कर रहे हो। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो घबराना नहीं है, फिर से आपको उसी सब्जेक्ट में जाना है और फिर से अपनी रिवीजन वाली कैपेबिलिटी को, रिटेंशन कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, क्योंकि चीजें बार बार पढ़ोगे तभी याद होगा। किसी को भी, चाहे मैं हूं आप हो, सभी एक ही लेवल के हैं। कहने का मतलब जो हम रिवीजन करते हैं, जो हम पढ़ने का तरीका होता है, वही हमको औरों से अलग बनाता है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, अभी आपके पास समय है, आप अपने बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जो मैंने आपको बातें बताई उस काम को करिए। फिर बात आती है कि अगर मान लीजिए नहीं करते हैं आप मान लीजिए पूरा सिलेबस आप कवर करते हैं, सिलेबस कवर करते हैं साथ ही साथ आप पेपर को लगाते हैं, तो आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है और जो सिलेबस है वो कवर होता चला जाएगा, और आप रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करोगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर आपको करना यह है कि अब आपको एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है, तो ढालने के लिए अपने अकॉर्डिंग एग्जाम के टाइम टेबल के जो एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर यानी कि मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करना होगा टाइमर के साथ, कि क्या आप सीमित समय में क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है अगर आप चीजों को कर रहे हैं सही तरीके से, क्योंकि देखिए पेपर में हमको सभी को आता है, पढ़ेंगे हम सभी, पर ऐसा होगा कि बहुत कम ही लोग उसको अचीव कर पाएंगे, कम क्वेश्चंस को सही समय पर कर पाएंगे, तय सीमा में कर पाएंगे। इसके लिए आपको मॉडल पेपर लेना होगा, ताकि मॉडल पेपर से आप समझ पाओ कि आपकी तैयारी सही चल रही है या नहीं। इन बातों का जब आप ध्यान रखोगे, इन चीजों को अप्लाई करोगे आप, तो आपको समस्या यहां पर नहीं होगी। बात आती है कि कैसे हम
अब इन चीजों को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहला गोल रखिए कि सिलेबस को क्या है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने चैप्टर्स है। जैसे मान लीजिए 15 चैप्टर्स, आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि 15 चैप्टर मान लीजिए आपके मैथमेटिक्स के बुक में है, इसमें से 10 चैप्टर ऐसे हैं जिनका वेटेज ज्यादा है, एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर ज्यादा, यानी कि एग्जाम में इनको पढ़ने के बाद स्कोर ज्यादा मिलेगा। तो उन चैप्टर्स को पहले प्रायोरिटी मिलाइए। देखिए उन क्वेश्चंस को ज्यादा करना चाहिए, जैसे उन चैप्टर को ज्यादा पढ़ना चाहिए जो ज्यादा क्वेश्चंस जिसे पूछे जाते हैं। अगर हमको पता चल गया कि इनमें वेटेज ज्यादा है तो मुझे उस टॉपिक पर वेटेज देना होगा। तो यही काम आपको भी करना है कि 15 चैप्टर है तो पहले 10 चैप्टर जो आपके हैं, 10 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है उनको पहले पढ़ लीजिए। बाकी बचे 5 चैप्टर जो छोटे छोटे चैप्टर जिनसे एक दो प्रश्न आने वाले हैं उनको उतना इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा स्टार्टिंग में। तो पहले यही काम आपको करना है कि 10 चैप्टर आपको ऐसे लेने हैं जिनमें वेटेज ज्यादा है, तो उनको उन काम को आप करिए। 5 चैप्टर उन चैप्टर को छोड़ दीजिएगा जो आपके वेटेज कम होंगे। बाद में अगर समय बचता है तो उनको भी कवर करने के प्रयास करिए। इस तरह से आप चलेंगे तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड, परसेंटेज ओरिएंटेड, जो आप मतलब जितना आपने टारगेट रखा है टारगेट ओरिएंटेड, और जिन भी चीजों को आपने टारगेट रखा है कि बोर्ड एग्जाम 2021 में मैं ये करूंगा, यही चीजें आपको अचीव होंगी। मुझे उम्मीद है कि इस टाइम टेबल के बाद अब आपको टाइम टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्ट्रेटेजी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मैंने आपको कंप्लीट बता दिया जो जो भी आपके डाउट थे, जो आप लोग पूछ रहे थे, मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट में ये समझा दिया कि बोर्ड एग्जाम 2021 जर्नी आपको कैसे ट्रेवल करनी है। अब आपका ये कर्तव्य है, दायित्व तो है कि आप मेरी कही बातों को मानते हुए इसी तरह से अपनी तैयारी को लेकर चलें। और मैं एकदम आपको चैलेंज देता हूं कि अगर मेरी कही बातों को आप अप्लाई कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक परसेंटेज आने से, 95% आने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में। मेरी इस वीडियो को बनाने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।